जो राजभाष था और उसे बदनाम करना ना चाहता था, चुपके से उसे छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि गुदाम का किस्सा उसे उस बात ने दिखाई दिया और कहा, बस यूसुफ सीन से जाकर वैसा ही किया जैसा गुलाम सिंह पिछले ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया और जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु ना रखा गया। पूरब देश से आने वाले मुलाकाती जो अभी आपने कलाम मुकद्दस में सुना था कि पूरब से सितारा देखकर मसीह यीशु को सजदा करने के लिए आए थे। पूरब में एक सितारा चमका था और उस सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई की थी। इंग्लिश में मजूसियों को वाइस, उर्दू में मजूसी और हिंदी में बादशाह कहते हैं। तो ये वो बादशाह थे जिन्होंने मसीह यीशु की पैदाइश के बारे में सुना था कि बैतलहम में यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। तो ये मजूसी जो है ये मसीह यीशु को सजदा करने के लिए आए हैं। हेलो, हमारे बादशाह जी पधारने वाले हैं। जो भी इंजाम जोरदार ताली बजाए बादशाह हमारे मजूसी यीशु को सजदा करने के लिए आ रहे हैं। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए कि ये बात सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यूसुफ के सब लोग घबरा गए और उसने पहुंचे सब सरदारों और कारीगरों और मनुष्यों को जमा कर उनसे पूछा कि मसीह की लाश कहाँ होनी चाहिए। किरदार निभाने वाले और ईश्वर का किरदार निभाने वाले दोनों स्टेज पर हाजिर हो। पूरब से मजूसी जो थे सितारे को देखते हुए उसको सजदा करने के लिए आ रहे हैं।